बिहार में महागठबंधन के जरिए मोदी का विजय रथ रोकने वाली जेडीयू और कांग्रेस अब 2019 में भी राजनीतिक बिसात में ऐसा गठजोड़ बैठाना चाहती है जिससे मोदी का मिशन 2019 पूरा ना हो पाए। लेकिन इससे पहले राष्ट्रपति चुनाव को लेकर भी विपक्षी पार्टियां एकजुट होकर बीजेपी के राष्ट्रपति बनाने के सपने को चकनाचूर करना चाहती हैं। जब गुरुवार को बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कांग्रेस हाईकमान सोनिया गांधी से मुलाकात की तो अटकलों का बाजार गर्म हो गया। राजनीतिक पंडितों ने इस मुलाकात का मतलब महागठबंधन की सुगबुगाहट से निकाला। सूत्रों के हवाले से बताया जा रहा है कि नीतीश कुमार ने सोनिया गांधी से मुलाकात कर विपक्षी दलों को एकजुट करने का आग्रह किया। नीतीश कुमार ने कहा कि देश की सबसे बड़ी पार्टी के मुखिया होने के नाते उन्हें विपक्षी दलों को एकजुट कर बीजेपी को कड़ी टक्कर देनी चाहिए। उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति चुनाव को लेकर ज्यादा समय नहीं रह गया है, इसलिए कांग्रेस अध्यक्ष को चाहिए कि वो तुरंत सभी विपक्ष दलों के बीच सहमति बनाए। जदयू चाहती है कि विपक्ष सर्वसम्मति से एक सेकुलर उम्मीदवार को एनडीए के खिलाफ उतारे। आपको बता दें कि कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी की तबीयत खराब होने की वजह से वो किसी बैठक में भी शामिल नहीं हो पा रही थी। इसी के बाद नीतीश कुमार ने सोनिया से मुलाकात की। इस दौरान कई राजनीतिक मुद्दों पर भी चर्चा हुई। 2019 में लोकसभा चुनाव से पहले ही विपक्षी दल महागठबंधन को नया रूप देकर राष्ट्रपति चुनाव में ही बीजेपी को कड़ी चुनौती देना चाहते हैं। तो अब देखना होगा कि विपक्षी मिलकर अपना पसंदीदा राष्ट्रपति चुन पाते हैं या फिर इस बार बीजेपी बाजी मारेगी। देखते रहिए डीबी लाइव।